नाम? मेरा नाम माही है। माही है, आप कितनी कक्षा में पढ़ते हो? मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। सफाई अभियान चाले छे श्री नरेंद्र मोदी नु, ते एमना एना विषय मा तमे शुं कहेवा मांगो छो? सफाई अभियान थई छे? सफाई अभियान नहीं हुआ है। जैसे कि सफाई अभियान नहीं हुआ है, रेलवे पे जहाँ पे देखो कचरा होता है और बस स्टेशन पे भी कचरा होता है, तो इससे पहचाना जाता है कि मोदी सरकार जो भी काम करती है वो अधूरा छोड़ती है। और जैसे कि मैंने अभी महंगाई के बारे में कहा, महंगाई उन्होंने कम करने की बजाय बढ़ा दी है। तो मोदी, अगर मोदी सरकार है तो क्या खुद मोदी सरकार आके ये सब करेगी कि अधिकारी की जवाबदारी है? ये क्या जनता की फर्ज में आता है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये काम मोदी सरकार का होना चाहिए। ये कैसा मोदी सरकार का है? वो तो जो जनता है उनको भी ख्याल रखना चाहिए ना अपना। पर वो मैं नहीं कह रही हूँ कि मोदी सरकार सफाई अभियान करे, वो अपने कर्मचारियों को कहे कि वो करे, पर दौरा तो अपने देश का लेने जाए ना कि सफाई अभियान है, फिर उनको कहे, उनको डांटे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, उनके पूछे, ये ऐसा तो कर सकते हैं ना मोदी सरकार। देश के बड़ा प्रधान है, वो देश का सोचेंगे या ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान आते, क्योंकि ये अधिकारी की, ये अधिकारी की फर्ज में आता है ये सब चीजें। अपने जनता को भी ये सब ध्यान रखना पड़ेगा ना। मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ, जनता को भी तो दंड क्यों नहीं लगाते, जैसे 500 रुपये 1000 रुपये ऐसे उनको करना चाहिए। ये कोरोना काल के अंदर जो दंड 500 रुपये का लगाया था, तो जनता ये भी बोल रही थी, बोले सरकार चोर रही है, हमारे पास से दंड ले रही है, उसके विषय में क्या कहेंगे? पर मैं आपको गंदगी इसीलिए मैं फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि गंदगी से हमको बीमारी होती है कई तरह की, और वो हमारे लिए कैंसर की तरह भी होती है, और वो बीमारी बढ़ते बढ़ते कैंसर, टाइफाइड, डेंगू जरा बन जाती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और आप जो जनता की आवाज़ बन के जो आप करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो क्या आपका विषय, क्या आप किसके विरुद्ध या किसके समर्थन में कहना चाहते हो? मैं जनता के समर्थन में कहना चाहती हूँ और सरकार के विरुद्ध, क्योंकि सरकार ने जो पिछले साल ऐलान किया था कि महंगाई कब होगी, महंगाई तो कमी नहीं हुई है, जैसे कि प्याज के दाम भी, जो LPG का यार गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा, उसके बारे में कुछ कहना चाहेगी आपको? कुछ ध्यान दो, घर की जो पत्नियां होती है वो कहाँ जाए, इसलिए गैस का दाम भी उन्हें सस्ता करना चाहिए।